महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब हरी सब्जियों की बढ़ती कीमतें और परेशान कर रही हैं। सब्जियों में शिमला मिर्च, प्याज व आलू भाव भी आसमान छू रहे हैं। बाजार में टमाटर तो सेब के बराबर कीमतों तक पहुंच गया है। पैदावार कम होने से सब्जियों की कीमतों में ये उछाल देखने को मिल रहा है। भोजन की थाली सब्जियों के बिना अधूरी है। इसमें हरी सब्जियों का बहुत महत्व होता है। सर्दियों में सभी सब्जियां सस्ती हो जाती हैं। इस बार सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। गरीब लोगों के भोजन का मुख्य माध्यम हरी सब्जियां ही हैं। इन्हीं के सहारे वह पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। खाद्य तेलों के बाद अब हरी सब्जियों की कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसमें सबसे अधिक समस्याएं गरीब वर्ग के लोगों को झेलनी पड़ रही है। आलू की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आलू की कीमतें 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। वहीं टमाटर तो कीमतों में लगभग सेब के बराबरी ही चल रहा है। वहीं प्याज की बात की जाए तो प्याज के दाम भी 50 रुपए किलोग्राम के आसपास बने हुए हैं और कई कई जगहों पर 60 रुपए किलो तक भी देख रहे हैं। 20 दिन में हरी सब्जियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल चुका है। खाद्य तेल और दाल तो पहले से ही महंगी चल रही रहे थे, वहीं अब हरी सब्जियां भी गरीबों की थाली से धीरे धीरे कम होती नजर आ रही हैं। सर्दी के मौसम में हरी सब्जियां सस्ती रहती हैं। इस बार लगातार हुई बारिश के चलते सब्जियों की फसल नष्ट हो गई है। अधिकतर सब्जियां अन्य प्रांतों से आ रही हैं। इनमें टमाटर कर्नाटका, प्याज नासिक व राजस्थान से आ रहे हैं। आलू भी पंजाब से आ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि विलंब से फसल होने के कारण स्थानीय आलू बाजार में नहीं आ पा रहा है। वहीं भाड़ा भी महंगा हो जाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।